नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है बीएड सेकंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए, समावेशी विद्यालय का सृजन वाली बुक का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। निर्देशन एवं परामर्श में अंतर, दोनों एक जैसे दिखाई देने वाली चीजें, इनमें क्या क्या अंतर हो सकता है वो देखेंगे हम इस वीडियो में। निर्देशन इट मीन्स गाइडेंस और परामर्श इट मीन्स काउंसलिंग। गाइडेंस और काउंसलिंग में क्या क्या डिफरेंसेस है ये हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो देखिए, निर्देशन क्या, परामर्श में, दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखेंगे। निर्देशन का क्षेत्र व्यापक होता है, निर्देशन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। निर्देशन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आदिकाल से अब तक चलने वाली प्रक्रिया मानी जाती है। क्या? निर्देशन। तो निर्देशन का क्षेत्र ब्रॉड होता है, व्यापक होता है, जबकि परामर्श निर्देशन का ही एक भाग होता है। तो निर्देशन प्राप्त करने की एक विधि मानी जाती है परामर्श। कौन? परामर्श। तो परामर्श संकीर्ण है जबकि निर्देशन व्यापक है। ये पहला अंतर हुआ निर्देशन और परामर्श में। दूसरा है, निर्देशन सभी व्यक्तियों के लिए होता है, हर व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता होती है, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो, चाहे वो सामाजिक हो, सभी प्रकार के निर्देशन की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है आजीवन। जैसे हर व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन की आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति को सामाजिक निर्देशन की आवश्यकता होती है, लेकिन परामर्श केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जो गंभीर रूप से असंतुलित हो, असमंजस की स्थिति में हो, किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हो। शैक्षिक, व्यावसायिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान करने के लिए परामर्श दिया जाता है, जबकि निर्देशन सभी के लिए दिया जाता है। तो सभी व्यक्तियों के लिए होता है जबकि ये सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होता है कौन? परामर्श, जबकि निर्देशन सभी व्यक्तियों के लिए होता है। उसके बाद आता है, निर्देशन व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है और निर्देशन सामूहिक रूप से भी दिया जा सकता है, छात्र विशेष को भी दिया जा सकता है और समूह के रूप में। जैसे कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है तो उसको अकेले में परामर्श दिया जाएगा, जबकि यौन शिक्षा से संबंधित या मान लो स्वास्थ्य या सफाई से संबंधित अगर कोई मामला है तो हम सामूहिक निर्देशन भी प्रदान कर सकते हैं, जबकि परामर्श हमेशा व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है। दो व्यक्तियों के मध्य परामर्श होता है, जिसमें एक व्यक्ति उपबोधक होता है और दूसरा उपबोध्य होता है। उसके बाद आता है, निर्देशन जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलती है, व्यक्ति को पग पग पर हर कदम पर निर्देशन की आवश्यकता होती है ताकि वो सही लक्ष्य पर पहुंच सके। लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करता है निर्देशन, व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करता है निर्देशन, समायोजन करता है निर्देशन, जबकि परामर्श की आवश्यकता तभी होती है जब हम कोई गंभीर समस्या से ग्रस्त हो, तब परामर्श की आवश्यकता होती है। तो निर्देशन जीवन पर्यंत होता है, जबकि परामर्श जीवन का कोई एक ऐसा पल होता है जब हम किसी गंभीर समस्या से ग्रस्त होते हैं, उस समय निर्देशन की आवश्यकता परामर्श की आवश्यकता होती है। चौथा है, समय, शक्ति व वित्तीय मितव्ययिता तीनों इसमें खर्च होते हैं। समय व धन दोनों इसमें खर्च होते हैं, किसमें? परामर्श में। इसके अलावा इसमें सामान्यीकृत और विशेषीकृत
दोनों प्रकार की सेवाएं दी जाती है, जबकि इसमें केवल विशेषीकृत सेवा प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है निर्देशन, जो है दोनों प्रकार की सेवा देता है, जबकि ये केवल विशेषीकृत सेवा प्रदान करता है। आपका जो निर्देशन है वो शैक्षिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में दिया जाता है, जबकि परामर्श संवेगात्मक रूप से समस्या हो, समायोजन से संबंधित समस्या हो तो परामर्श प्रदान किया जाता है, जबकि शैक्षिक और आपका दूसरा है व्यावसायिक, किस विषय का चुनाव करना चाहिए, कौन सा विषय बालक को पढ़ाया जाना चाहिए, किस प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, बालक को किन किन विषय वस्तु का अध्ययन करना चाहिए, अध्ययन करने का तरीका क्या क्या होना चाहिए, ये सब निर्देशन के पार्ट माने जाते हैं, जबकि परामर्श जो है वो संवेगात्मक रूप से समायोजनात्मक समस्याओं के लिए दिया जाता है। बालक अधिगम नहीं कर पा रहा है, बालक के कक्षा में अच्छे अंक नहीं आ पा रहे हैं, तो उस समय उसे व्यक्तिगत रूप से परामर्श दिया जाता है। जैसे समस्यात्मक बालक है, बाल अपराधी बालक है, उस समय जो समाधान दिया जाता है वो है आपका परामर्श। तो परामर्श संवेगात्मक और समायोजनात्मक समस्याओं के लिए दिया जाता है, जबकि शैक्षिक और व्यावसायिक समस्याओं के लिए हम निर्देशन प्रदान करते हैं। विषय वस्तु, निर्देशन देने से पहले हमें विषय वस्तु का ज्ञान होता है कि किस विषय वस्तु पर हमें निर्देशन देना है। शैक्षिक निर्देशन देना है, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशन देना है, सामाजिक निर्देशन देना है, तो इन सबकी विषय वस्तु का ज्ञान हमें पहले से होता है, जबकि परामर्श में विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। पहले उपबोध्य की समस्या को जाना जाता है, उसके विचारों को सुना जाता है, उसके आधार पर समस्या का समाधान देना पड़ता है, तो परामर्श में पहले से विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। उसके बाद आता है साक्षात्कार, निर्देशन में साक्षात्कार का होना आवश्यक नहीं है, जबकि परामर्श में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के आमने सामने होना आवश्यक है, वार्तालाप करना आवश्यक है, समस्या को समझना आवश्यक है। किसमें? परामर्श में, जबकि निर्देशन में साक्षात्कार का होना आवश्यक नहीं है। बिना साक्षात्कार के भी निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। अब आता है निर्देशन का कार्य होता है स्वयं का कल्याण करना और इस समाज का कल्याण करना, जबकि परामर्श का उद्देश्य होता है व्यक्ति को तनाव मुक्त करना और जीवन की एक नई राह दिखाना, लक्ष्य तक पहुंचाना, उसकी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान करना, ताकि वो स्वयं निर्णय लेने में क्या हो सके, निर्णय लेने में सक्षम हो सके। तो आपने आज काउंसलिंग और गाइडेंस दोनों में डिफरेंसेस को समझा। पहला डिफरेंस मैंने आपको बताया, निर्देशन व्यापक है, जबकि परामर्श निर्देशन का ही एक भाग है। सभी व्यक्तियों के लिए होता है निर्देशन, जबकि परामर्श सभी व्यक्तियों के लिए नहीं होता है। ये व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार का होता है, जबकि काउंसलिंग केवल व्यक्तिगत रूप में होती है। इसमें ये जीवन पर्यंत चलती है, लेकिन ये आवश्यकता अनुसार ही होती है। जो व्यक्ति जिस समस्या से ग्रसित होता है उसे उसी से संबंधित परामर्श दिया जाता है। ये समय, शक्ति और वित्तीय दोनों तीनों दृष्टिकोणों से मितव्ययी होता है, जबकि समय व धन दोनों इसमें क्या होते हैं, ज्यादा खर्च होते हैं। जबकि इसमें समय भी कम लगता है, शक्ति भी कम लगती है और वित्तीय संसाधनों का उपयोग भी कम होता है, जबकि परामर्श में समय भी ज्यादा खर्च होता है और धन भी ज्यादा खर्च होता है। ये सामान्यकृत और विशेषीकृत दोनों प्रकार की सेवाएं दी जाती है, जबकि इसमें केवल विशेषीकृत सेवा प्रदान की जाती है। ये शैक्षिक और व्यावसायिक रूप में निर्देशन दिया जाता है, जबकि संवेगात्मक और समायोजन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए परामर्श प्रदान किया जाता है। साक्षात्कार आवश्यक नहीं है, जबकि इसमें साक्षात्कार आवश्यक है। इसमें व्यक्ति व समाज दोनों का कल्याण करना निर्देशन का कार्य है, जबकि
परामर्श का कार्य है व्यक्ति को तनाव मुक्त करना, व्यक्ति को जीवन की एक नई राह दिखाना, ताकि व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो सके, अपनी समस्याओं को अपने आप सुलझा सके। ये होता है परामर्श। तो आज हमने निर्देशन में परामर्श के बारे में डिफरेंसेस को समझा। आगे के वीडियोस में मैं इसी तरह आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगी ताकि आपका सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट हो जाए। इसके लिए आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।